आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू, लॉयल सब्सक्राइबर हैं आप मेरे, क्योंकि रात के अभी 2:30 बज रहे हैं और आप अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एन अदर वीडियो नॉट अ व्लॉग। क्या हाल है, सब ठीक ठाक खैर खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। सो आज की जो वीडियो है ये बेसिकली एक स्टोरी वीडियो है, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल से जान लिया होगा। कोई व्लॉग नहीं है, कोई ऐसी खास इस गाड़ी वाले हिसाब किताब में नहीं है। एक अपडेट थी, एक स्टोरी थी, हमने सोचा आपके साथ भी डिस्कस की जाए, आपको भी बताया जाए। सो ये आज की स्टोरी है, दो चीज़ें हैं, एक आपके भाई की लैपटॉप की स्टोरी है और एक चीज़ है व्हाट इज टीम जीबीसी, व्हाट इज टीम जीबीसी, द स्टोरी ऑफ टीम जीबीसी। सो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। आज की वीडियो में भी थोड़ी सी आपको बोरिंग लगे, बहुत से लोग भाग जाएंगे, आधी देख के भाग जाएंगे, वो आप पे है, देख लेंगे तो अच्छा होगा, ज़रा गुड लगेगा, बाकी नहीं तो मर्जी है आपकी। खैर जी वीडियो को स्टार्ट करें। तो जी लैपटॉप वाली स्टोरी अगर हम स्टार्ट करें तो बैक इन 2018 में मैंने लिया था अपना फर्स्ट लैपटॉप, वो था मेरी लाइफ का माय फर्स्ट पर्सनल लैपटॉप। वो अगर मैं उस लैपटॉप की बात करूं तो उस टाइम वो लैपटॉप था कोर i7 सेकंड जनरेशन। खैर वो आपके भाई का पहला लैपटॉप था, भाई ने आपके ये सोच के लिया था कि यार उस टाइम ज़रा नए नए हाँ इंटर में थे हम, तो ज़रा ये काम साहब को था ऑनलाइन अर्निंग शर्निंग वाला, वही फिर साहब अपने माइंड में भी ये था यार कुछ करें, देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं। खैर उस हिसाब से हमने वो लैपटॉप लिया था। वो लैपटॉप लेने के बाद हमें अपना काम तो हमारा कोई ख़ास ऐसा नहीं बन सका, यानी कि अर्निंग शर्निंग वाला काफ़ी जगह देखी ये वो, यानी कि कोई समझ नहीं आया ये चीज़, यानी कि अपनी समझ में नहीं आई कि सही तरह क्या चक्कर है क्या नहीं, जहाँ देखे इधर उधर फाइबर वगैरह पे देखे कंपटीशन वो था ये वो। खैर उसको मैंने 2019, 20, 21, 22 और ये 23 भी, यहाँ तक 23, यानी कि इस लैपटॉप को मैंने सही तरह रगड़ा दिया। जिस तरह रगड़ा देने का हक होता है आप यकीन करो वो लैपटॉप मेरा 24-24 घंटे भी ऑन रहता था, और वो कोई ऐसा कोई पका लैपटॉप था, मैं कहता हूँ उस लैपटॉप ने ऐसे कोई पैसे पूरे कराए हैं ना आपने कि क्या बताऊँ आपको। मैं 4 साल उस मैंने लैपटॉप को चलाया, बड़ा रज के चलाया, उसके बीच में उस लैपटॉप के साथ कुछ इशू आए। इशू क्या है, 2020 में उसका एक दफ़ा क्या काम हुआ, फ़ैन उसका ख़राब हो गया था। है उसका फ़ैन ख़राब हुआ, वो यहाँ से ओल्ड मॉडल था, फ़ैन उसका नहीं मिला, वहाँ से मेरा एक फ्रेंड होता था उस टाइम लाहौर, उसे मैंने कहा यार मुझे इसका फ़ैन चाहिए, उसने वहाँ से उसका फ़ैन लेके, अक्ल का भाईजान वो बंदा पूरा था, उसने क्या काम किया फ़ैन लेके डॉक्यूमेंट वाले एनवेलप में मुझे पार्सल करा दिया TCS। वो जब फ़ैन मेरे पास आया तो मैंने उसको खोल के देखा, उस फ़ैन के आधे पर पैकेट में सारे टूटे हुए पड़े हुए थे और आधे उसके अंदर थे। फिर आपका भाई क्या करता वहाँ पे, उसने भी वही फ़ैन आपके भाई ने एल्फी से जोड़ जाड़ के खुद ही लैपटॉप के अंदर लगा दिया, लेकिन वो वर्किंग करता था उस तरह नहीं करता था जिस तरह उसको करना चाहिए। एक उसमें ये इशू आ गया, उसके बाद आपके भाई ने फिर उसको खोलता बंद करता भी खुद था, उसको कहीं खोला बंद किया तो उसके कीबोर्ड की जो केबल थी इसको सही तरह सेट नहीं किया, वो जब लैपटॉप हीट हुआ वो केबल सड़ गई। दो इशू आ गए, एक कीबोर्ड नहीं चलता था उसका और एक फ़ैन का इशू था। ये दो इशू के बाद उस लैपटॉप में इशू आया, बैटरी उसकी फ़र्क हो गई थी, बैटरी फ़र्क हुई, वो लैपटॉप डायरेक्ट चलता था, उसके बगैर नहीं चलता था। तो इस लैपटॉप को मैं यूज़ कर रहा था कोई 4 साल से, लेकिन एंड में आफ्टर टाइम टू टाइम ना इसमें बड़े रोले निकलने लग गए थे, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। अब पिछले 2-1 महीने से इस लैपटॉप में एक तो फ़ैन वाला इसका रोला था, फ़ैन बड़ी ऊंची बात देता था, वो तो चलो एक साल से ही दे रहा था ना, जब से इसका फ़ैन चेंज किया था 2 साल से तब से वो दे रहा था, लेकिन उसके साथ में कंप्रोमाइज़ करके
लगा हुआ था। खैर उसके बाद अब जब ऑफिस स्टार्ट हुआ 2 महीने पहले, तब इस लैपटॉप को मैंने दोबारा यानी कि सही तरह यूज़ करने लगा, तो ये क्या रोले करता था कि स्टार्ट नहीं होता था। स्टार्ट में इसको स्टार्ट करने के लिए आपको आधा घंटा इसको देना पड़ता था। आधे घंटे में ये कभी स्टार्ट हो रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी स्टार्ट हो रहा है, कभी बंद हो रहा है। आधे घंटे बाद जाके सही तरह स्टार्ट होता था। उसके बाद आप काम कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, इसने बीच में बंद हो जाना है। खैर मैं लगा हुआ था, मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, गुजारा करना है, अपना बजट इतना नहीं था कि बंदा एक नई मशीन खरीद सके, तो ये सारा चक्कर था। एट द एंड हुआ क्या, ये हफ्ते एक पहले ऑफिस बैठा था मैं। ऑफिस बैठ के मैंने इसको स्टार्ट करने की कोशिश की, भाई जान ये तो स्टार्ट ना हो, स्टार्ट हो बंद हो जाए, स्टार्ट हो बंद हो जाए। मैं इसके साथ कोई 2 से 2.5 घंटे लगा रहा हूँ हो जाए, लेकिन ये भाई जान तो बिल्कुल डेड। सीन क्या हुआ कि उस दिन ऑफिस से फिर मैं दो नहीं चला, मैं उठ के आ गया, क्योंकि मेरा तो वहाँ पे काम बन नहीं रहा था। तो आपका भाई मुंह बना के बैठा हुआ है, सोच रहा है क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, ऐसा कोई चीज़ भी बड़ी ज़रूरी थी, कराना भी था, आगे काम नहीं चलना था, सारा वीडियो एडिटिंग भी लैपटॉप पे करनी होती है, सारा कुछ एडिटिंग वगैरह सारी लैपटॉप पे करनी होती है, और काम भी ऑफिस का सारा लैपटॉप पे करना होता है। खैर उसके बाद कर करा के हुआ ये कि अब्बा जी की कॉल आई। अब्बा जी ने सारा बात तो पूछी, अब्बा जी को बताया। खैर जी अब्बा जी तो अब्बा जी होते हैं। फिर मैंने मेरे से नहीं बात की जाती थी कि ऐसे लैपटॉप है, ये है वो है, क्योंकि काफ़ी मसला काफ़ी अरसे से ला, लेकिन फिर भी बजट का बंदे ने सारा हिसाब किताब देखना होता है, अच्छा नहीं लगता ऐसी चीज़ें फरमाइशें करना, ये करना वो करना। खैर अब्बा जी ने बात की, अब्बा जी ने खुद ही कहा कि आप अपना लैपटॉप ले। अगले दिन जाके ये हमारा न्यू लैपटॉप हमें नसीब हुआ, वैसे यूज्ड है हमारे लिए, न्यू है। तो दिस इज़ कोर i5 6th जनरेशन। वो कोर i7 था, लेकिन जनरेशन 7.2 थी। तो स्पेक्स अगर बात करें, इसकी 8 GB RAM, 256 GB SSD M2। वो जो था वो 8 GB RAM था, और इसके साथ 500 HDD मैंने एक्सटर्नल रखी हुई है उसकी वाली, क्योंकि वो जो था वो था 8 GB RAM, 2 GB एनवीडिया ग्राफिक कार्ड, और उसमें था 500 GB हार्ड नॉर्मल HDD, कोई SSD नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ये जो मशीन है इसमें 8 GB हमारे पास रैम आ जाती है, 256 GB SSD आ जाती है, और उसी की 500 GB वाली जो हार्ड थी वो इसके साथ मैंने एक्सटर्नल रखी हुई है, ज़रूरत पड़ती है तो इस्तेमाल कर लेता हूँ, नहीं तो ऐसे ही। खैर ये है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लाइट वेट सा न्यू मशीन। तो अगर बात करें, अच्छी मशीन है, सही है, तंग नहीं करती किसी किस्म की, लेकिन अगर दोनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो ये गुड है, लेटेस्ट मॉडल है, यानी कि लेटेस्ट तो नहीं कह सकते, उससे बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है, लेकिन फिर भी अगर मैं कहता हूँ कि उतना बर्डन जितना मैं उस पर देता था इतने दूंगा, तो ये 2 दिन भी ना चले। और अगर डिस्प्ले की बात करूँ, वो तो मेरे ख्याल से अभी ऑन नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर हार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर उसको उसके और इसकी डिस्प्ले की बात करें, तो उसके और इसके डिस्प्ले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बिल्कुल HD चलता था, और ये उसके ग्राफिक्स उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के उसके होते थे। खैर ये है हमारा न्यू लैपटॉप, हमने सोचा आपके साथ इसकी एक सारी दास्तान शेयर की जाए। बाकी बहुत से लोग पूछते हैं कि आप वीडियो एडिटिंग किस पे करते हो और थंबनेल वगैरह कैसे बनाते हो, तो सर जी उसके लिए हम लैपटॉप ही यूज़ करते हैं अपना। वीडियो एडिटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं अडोब प्रीमियर, और थंबनेल के लिए हम यूज़ करते हैं अडोब इलस्ट्रेटर प्लस फोटोशॉप दोनों। तो ये सारी लैपटॉप के सॉफ्टवेयर्स हैं, लैपटॉप की एप्लीकेशंस हैं, कंप्यूटर में भी हो सकती हैं, मोबाइल में और चीज़ें होती हैं, मोबाइल में और होती हैं, सब कुछ मोबाइल पे भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये इजी रहता है, तो मैं इस पे इजी कर लेता हूँ, ग्रिप बैठी हुई है। बाकी मैं जो वीडियो एडिटिंग वगैरह करता हूँ वो एक सिंपल सी करता हूँ, यानी कि मैं वो ज़्यादा बीच में इतना फुल बूटों वाला ही कहते हैं ना, फुल बूटे डालना, वो वाला साहब नहीं रखता, मैं सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल ही वीडियो एडिटिंग करता हूँ जितना हो। तो वो आप ज़रूरी नहीं उसके लिए अडोब प्रीमियर यूज़ करें, आप कोई भी लैपटॉप कोई भी और सॉफ्टवेयर काफ़ी पड़े हुए हैं, छोटे मोटे हो जाते हैं, सब में हो जाती है। उसके बाद थंबनेल भी लोग करते हैं, मैंने देखा है, और भी अच्छे अच्छे थंबनेल बना लेते हैं, काफ़ी सारे और भी एप्लीकेशन हैं और भी एप्स हैं, उस पर भी हो जाती हैं। ये थी सारी स्टोरी। अब अगर हम बात करें
स्टोरी ऑफ टीम जीबीसी की। आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू, लॉयल सब्सक्राइबर हैं आप मेरे, क्योंकि रात के अभी 2:30 बज रहे हैं और आपका भाई बैठ के वीडियो एडिटिंग कर रहा था यही वाली, क्योंकि वीडियो मैंने पूरी बना तो ली थी, एडिटिंग कर रहा था क्योंकि सुबह पोस्ट करनी है। सुबह मैंने जाना भी इधर आउट ऑफ सिटी था, तो मेरा दिल ये था रात को लगा के इसको मैं एडिट करके शेड्यूल पे लगा दूंगा कल, ये 2-3 बजे तक पब्लिक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो सीन यारा, अगर मैं शॉर्ट सी एक कुल मिला के बात करूँ, वैसे वीडियो तो मैंने सारी बनाई, वो तो आधे घंटे की जात बनी, इतना वो उसको मैं शॉर्ट करता 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 भी वो 15-20 मिनट तक चली जाएगी और उसका फ़ायदा नहीं है। अगर मैं शॉर्ट सी बात करूँ तो यार ये एक टीम जीबीसी जो था ये GTA 5 का क्रू था। GTA 5 में मैं खेलता था, उसमें मैं मॉड्स बनाए थे मैंने सारे खुद, उसमें साथ कुछ लड़के जो GTA 5 खेलते थे स्टैंस कल्चर में आना चाहते थे, क्योंकि मैं वाहिद वो बंदा था स्टार्ट में जो मैंने जिसने GTA 5 का में सारा ये स्टैंस चीज़ें सारी स्टैंस गाड़ियाँ ये एंटर की थी, खुद मैंने मॉड्स बनाए थे, मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं। तो ये सारा वहाँ से चलता आया था। तो चैनल का नाम मैंने टीम GBC इसलिए रखा था कि मेरा दिल ये था कि चलो जब रियल लाइफ में आएंगे तो साथ और गाड़ियाँ भी आएंगी और लोग ऐड होंगे तो ये वो। अभी फ़िलहाल तो सीन ऐसा कोई भी नहीं है, हो सकता है इसको मैं ख़त्म कर दूँ या हो सकता है कभी कंटिन्यू हो जाइए, तो ये सारी सूरत हाल थी। बाकी रही बात GTA 5 की, तो वो ना इस लैपटॉप पे आप चल सकती है क्योंकि इसमें ग्राफिक कार्ड वगैरह वो उस तरह नहीं होता जिस तरह चाहिए होता है गेमिंग के लिए, तो ये सारी सूरत हाल है। बाकी ये बड़ी शॉर्ट सी स्टोरी मैंने सुनाई है, नहीं तो वीडियो में तो बहुत लंबी मैंने सारी यानी कि चीज़ें बताई थी, बहुत सी चीज़ें इसमें आई, बहुत से स्ट्रगल हुआ, ये वो छोटी चीज़ें बहुत सी होती हैं इसमें। खैर ये सारी स्टोरी थी। बाकी अगर आपने सारे मेरे मॉड्स देखने हैं तो इंस्टा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, वहाँ से आप देख लें। और अगर तब तो मैं काफ़ी लोग मांगते भी थे तब मैं नहीं देता था क्योंकि हर बंदे की एक अपनी मेहनत होती है, तो अगर आप अगर लेना चाहते हैं वो तो आपको मिल जाएंगे लेकिन होंगे पेड। अगर कोई भी बंदा वो बाय करना चाहता है तो मुझे इंस्टा पे DM कर ले एनी टाइम, तो आपसे मैं कर लूँगा बात। बाकी जो मोड आपको चाहिए होगा मिल जाएगा। बाकी वीडियो देखने का सो मच थैंक यू, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।